नमस्ते सस्त्रीयाकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नए लिंबी चिंचोली गांव के पाटिल घराने के बेटी की पुनेरी शादी के इस बेहतरीन एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करने वाले मोहब्बत भरी मुलाकातों के बारे में। तो खुदा के फजल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोगों ने पिछले एपिसोड को बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया। अगर आप में से अभी तक किसी ने इस बेहतरीन सीरीज के पिछले चारों एपिसोड्स को नहीं देखा तो प्लीज जाकर देखिए, उनकी लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन एपिसोड को। खुदा के फजल से शादी की पूरी इस्लामिक रस्म जो है बेहतरीन तरीके से पूरी हुई और अभी दूल्हे राजा को जो है आए हुए सभी मेहमान इस बेहतरीन रस्म की पूरी होने के लिए जो है बधाई देते हुए, इस शादी की जो है बधाई देते हुए और उनके आने वाली जिंदगी के लिए जो है उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहते हुए, जिसमें जो है हमारे लिंबी चिंचोली गांव के पाटिल घराने के सभी लोग और उसके साथ साथ गांव के सभी प्रतिष्ठित नागरिक मौजूद हैं, जिसमें हमारे पाटिल घराने के सूरज भाऊ पाटिल साहेब, दुल्हन के बड़े भाई हमारे अब्दुल भाई पाटिल साहेब, फिर उसके साथ साथ अब्दुल भाई के दोस्त सिराज गाड़ीवान जी, फिर उसके साथ साथ रामपुरे साहेब, उसके साथ साथ शेख साहेब और उसके साथ साथ बंदे नवाज मुल्ला जी यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके साथ साथ लिंबी चिंचोली गांव के बेहतरीन मुल्ला चिकन सेंटर के एकमेव मालक श्री हसन भाऊ मुल्ला जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सभी लोग जो है यहाँ पर दूल्हे राजा को जो है उनकी शादी की शुभकामनाएं देते हुए और उनके आने वाली जिंदगी के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हुए, खुदा के फजल से अभी दूल्हे राजा को इस बेहतरीन शादी की शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर स्टेज पर आ चुके हैं दुल्हन के वालिद साहब लिंबी चिंचोली गांव के प्रगतिशील क्षेत्री श्री सैपन भाऊ पाटिल साहेब, फिर उसके बाद मनूर गांव के मिट्टू साहब रुकनोद्दीन, फिर उसके साथ साथ मनूर गांव के लिंबी चिंचोली पाटिल घराने के बड़े जावई श्री बंदे नवाज रुकनोद्दीन साहेब, और दुल्हन के बड़े मामूजान हजी मलंग शेख साहब, और उसके साथ साथ छोटे मामूजान रुकमोद्दीन शेख साहब जो हत्तरगा गांव के रहवासी हैं, ये सभी लोग जो हैं यहाँ पर दूल्हे राजा को जो है शादी की बधाइयां देते हुए। खुदा के फजल से इस बेहतरीन मंच पर जो है अब इस शादी की बेगम साहिबा का यानी हमारी बहन का जो है आगमन हो चुका है, और मंच की एक और जो है दूल्हे राजा को उनके सभी यार दोस्त उनके सभी मेहमान जो है इस बेहतरीन शादी की शुभकामनाएं देते हुए धीरे धीरे कर खुदा के फजल से इस बेहतरीन शादी में और भी ज्यादा बहार आ रही है, और भी ज्यादा जो है ये शादी खूबसूरत हो रही है, और भी ये ज्यादा जो है ये शादी रंगीन हो रही है, और खुदा के फजल से हम धीरे धीरे कर जो है विदाई की प्यारी रस्म की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो है आए हुए सभी मेहमान जो है बेगम साहिबा और दूल्हे राजा को जो है इस शादी की जो है शुभकामनाएं देने के लिए इस बेहतरीन मंच पर आते हुए दूल्हे राजा और बेगम साहिबा की इस खूबसूरत मुलाकात को देखकर मुझे एक बेहतरीन गीत याद आ रहा है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। यह बेहतरीन गीत है सूरज फिल्म का, जिसे फिल्माया गया है राजेंद्र कुमार जी और वैजयंती माला जी के ऊपर, और उसके साथ साथ इस बेहतरीन गीत को गाया है खुद मोहम्मद रफी साहब ने। तो फिर चलिए बिना किसी तरीके सुनते हैं इस बेहतरीन गीत को। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगाई इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है चला जाए ना शर्मा कर।
जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सजाई है जमा कलियों ने अब ये सेज उल्फत की, इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। फिजाओं रंग बिखराओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। खुदा के फजल से धीरे धीरे कर बेगम साहिबा और दूल्हे राजा को जो है इस बेहतरीन शादी की शुभकामनाएं देने के लिए यहां पर मंच पर दुल्हन की सभी फूफी जान जो है आ चुकी हैं, और वो जो है अपने दामाद को और अपनी बेटी को जो है इस बेहतरीन शादी की शुभकामनाएं देते हुए। और यहां पर जो है मंच पर आगमन हो चुका है दुल्हन के वालिद साहब लिंबी चिंचोली गाँव के प्रगतशील शेतकरी श्री सैपन भाऊ पाटिल साहब, और उसके साथ साथ हमारी दादी जी यानी दुल्हन की वालिदा का। और वो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बेटी और दामाद के साथ फोटो निकालते हुए और अपनी यादों को संजोते हुए यहाँ पर जो है दुल्हन की खाला जान भी मौजूद हैं। तो खुदा के फजल से धीरे धीरे कर इस बेहतरीन शादी में और भी ज़्यादा रंगत आ रही है। और अभी जो है दुल्हन के चाचा जान लिंबी चिंचोली गाँव के प्रगतशील शेतकरी श्री महबूब साहेब पाटिल जी जो है अपनी बेटी के साथ यहाँ पर फोटो खिंचवाते हुए अपनी यादों को संजोते हुए, और उनके साथ है यहाँ पर दुल्हन की दोनों फूफी जान। तो धीरे धीरे कर इस बेहतरीन शादी में और भी ज्यादा रंगत आ रही है, ये शादी और भी ज्यादा खूबसूरत हो रही है। खुदा के फजल से वक्त जो है किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त जो है मुट्ठी में कैद रेत की तरह फिसलता जाता है। धीरे धीरे कर जो है वक्त के साथ बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादी होती है, लेकिन अपने माँ बाप के लिए जो है बच्चे अभी भी छोटे ही रहते हैं। माँ बाप को जो है शादी के दिन भी यकीन नहीं होता कि भाई अपने बच्चे जो है बड़े हो चुके हैं, उनकी शादी हो रही है बोल के। खुदा के फजल से अभी इस बेहतरीन मंच पर आगमन हो चुका है दुल्हन के नाना जान श्री राजेश साहब शेख जी का, जो हत्तरगा गाँव के साहूकार है, जो अपनी लाडली नवासी और दामाद को जो है इस बेहतरीन शादी की शुभकामनाएं देते हुए उनके साथ तस्वीर निकाल कर इस शादी की यादें संजोते हुए, और उसके साथ साथ जो है अपनी लाडली नवासी और अपने दामाद को जो है यहाँ पर दुआएं देते हुए। जब कभी भी किसी नई जिंदगी की शुरुआत होती है उसके लिए जो है बड़ों की बुजुर्गों की जो दुआएं हैं वो बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो इन दुआओं को जो है हमें संजोना जरूरी है, उन्हें समेट कर रखना जरूरी है। अभी जो है दुल्हन की चाची जान और दुल्हन के चाचा जान लिंबी चिंचोली गाँव के प्रगतशील शेतकरी महबूब साहेब पाटिल जी जो है यहाँ पर अपनी बेटी के साथ जो है फोटोज खिंचवा कर जो है अपनी यादों को संजोते हुए, और धीरे धीरे कर जो है ये शादी जो है अपने समारोह की ओर बढ़ते हुए। और अभी जो है इस मंच पर आगमन हो चुका है दुल्हन के जीजा जी लिंबी चिंचोली गांव पाटिल घराने के बड़े दामाद श्री बंदे नवाज रुकनुद्दीन साहेब जी का, जो मनूर गांव के पुलिस हैं, और उसके साथ साथ दुल्हन की बड़ी बहन भी जो है यहाँ पर आ चुकी है, और वो अपनी बहन और अपने जीजा जी को जो है इस बेहतरीन शादी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। खुदा के फजल से इस बेहतरीन मंच पर जो है एक बेहतरीन रसम जो है खूबसूरत और प्यारी रसम जो है शुरू हो चुकी है, जहां पर दूल्हे राजा और बेगम साहिबा की सभी फूफी जान जो है इस खूबसूरत रसम को पूरी करते हुए और दूल्हे राजा को जो है कुछ कठिन सवालों को पूछते हुए कि आपकी बीवी मीठी है या शक्कर मीठी है इसके बारे में। तो खुदा के फजल से ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारी रसम है जिसके जरिए दूल्हे राजा और बेगम साहिबा को जो है यहाँ पर उनकी फूफी जान जो है दुआओं से शराबोर करते हुए।
कड़ाके है ना समझो क्या चलो छोकरी मामू को छोकरी उठा लियो बोलना गाड़ी में बताओ। खुदा के फजल से इसी खूबसूरत रस्म के साथ जो है आज का ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और इंशाल्लाह हम फिर से मिलेंगे इस बेहतरीन सीरीज के अगले बेहतरीन एपिसोड में, जहां पर हम बात करेंगे इस शादी के बेहतरीन विदाई के बारे में। तो खुदा के फजल से आप सभी लोगों का शुक्रिया कि आप सभी लोगों ने इस बेहतरीन एपिसोड को आखिर तक देखा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियंस बताओ और उसके साथ साथ जाने से पहले हमारे इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं इस बेहतरीन शादी के अगले एपिसोड में। जय हिंद।